इसकी इतनी हिम्मत अपने साथ से काम करवाती हो तो कितनी तबीयत खराब है। कुछ भी शूट करने का हमें मन नहीं किया है। फिर उसके बाद सभी को लगा कि इसको लगता है बीपी लो हो गया है, कमजोरी हो गया है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। जी आपको देख रहे होंगे उधर आ रही है, अभी आ रही है वो बेसिन से अपना हाथ धो करके। हुआ ये जी, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो जी आप बोले कि दीदी आपका जो है मालिश कर देते हैं। हमके नहीं रहने दो, अभी ऑपरेशन हुआ है जी, उसको ऐसे ही बैक पेन सब रहता है, तो बैठने के लिए हमने मना किया लेकिन वह नहीं मानी। देखिए अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम थोड़ा देर सोने का भी कोशिश किए, सो नहीं पा रहे हैं हेडेक से, इतना ज्यादा हेडेक है जी पूछिए मत। तब उसके बाद जो है लेटे लेटे जो है नवरत्न का वो तेल ली और उसे थोड़ा सा मालिश की है, तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है ठंडे तेल से मालिश करने के बाद। और हमको मार्केट भी निकलना है लेकिन मार्केट अभी निकल नहीं रहे, तो सबसे पहले थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद निकलते हैं। और जिया अभी शाम के टाइम वॉक भी करती है, तो साथ साथ वॉक भी चल रहा है जिया का अपना। नीचे रो रहा है, मालिश हो रहा है उसका। अच्छा, जिया का आवाज आपको हो सकता है जी ज्यादा सुनाई नहीं देता हो, क्योंकि जिया आजकल थोड़ा धीरे बोलती है और मैं बोलता भी नहीं हूँ कि जोर से बोले, क्योंकि ऑपरेशन हुआ पड़ा है, इस वजह से जो है थोड़ा सी दिक्कत है। बोला ही नहीं जा रहा, तुम बोलो। नहीं, बोलने का कोशिश भी नहीं करना है जोर से, जैसे बोल सकिए बोल लो। चल रहे हैं जी दुकान, कुछ नाश्ते के लिए लाना है, शाम का समय हो गया है, तो जिया के लिए सोचा जा रहा था कि क्या दिया जाए नाश्ते में, तो सभी ने सोचा कि हलवा अच्छा रहेगा सबसे, तो जाते हैं सूजी लेकर के आते हैं। नमस्ते आंटी। सूजी और एक किलो चीनी और मिश्री 10 रुपया का। क्या है इसमें? चना दाल, चना बेसन, मसूर दाल, मिश्री दे दीजिए। सूजी, चीनी और मिश्री ले लिया जी सारा सामान। बाहर कितना अच्छा मौसम है, जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं गर्मी जो लगती है पूछिए मत। लेते आए सामान, यहाँ पर मम्मी आ गई है सूजी का हलवा बनाने, एकदम घी में बनेगा गरम गरम हलवा, हम भी खाएंगे ऑब्वियस की बात। अच्छा, तुम्हारे लिए बन रहा है? बिल्कुल, हम तो जिया के लिए बना रहे थे, चलो तुम भी खा लेना उसी में। बिल्कुल, नाश्ता का टाइम हो गया है, सब लोग बना लो अपने लिए, क्या दिक्कत है, जिया के साथ साथ सबको खा लेंगे। वो एक कहावत होता था, खस्सी मारे घर भैया हथिया न पहुँच जाए। अच्छा, बेचारा खाएगा सब बेचारी, जिया का नाम लगेगा जी। डिलीवरी के बाद शाम के समय जिया को कौन कौन सा नाश्ता करना चाहिए जो थोड़ा हेल्दी भी हो और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा रहे, तो आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं। ये हमारा गर्म गर्म हलवा हम तो लाए थे अपने बहू के लिए, लेकिन अब ये भी कह रहा है कि हमें भी दे दो, तो हम सोचे दे ही देते, भी थोड़ा सा ले लो इसमें से। नहीं, तुम खाओ, अपने लिए हमेशा रख लेते। ये बॉय, सूजी का हलवा जैसे ही बना दीदी को मन कर गया, थोड़ा सा पापड़ और चिप्स भी बना दिया जाए। वही पापड़ चिप्स बन रहा है, उसको छन भी चुका है, देख भी लिया था। हवा बहुत बना के गई है ना, बुरा भर के। तो A few moments later. यहाँ पर हमारा लग रहा है जी खाना, और देख सकते हैं यहाँ पर बनी है कटहल की सब्जी, जो गांव से कटहल आया है, लगता है अच्छा खासा दिन, कम से कम हफ्ता 10 दिन तक तो बनेगा ही ना? नहीं, 2-3 दिन बनेगा। 2-3 दिन बनेगा, अच्छा ज्यादा नहीं है। 4 लाए थे ना। यहाँ पर हमारा खाना लग गया जी, उधर लग गया है जिया का खाना। आज जिया से ज्यादा हालत मेरी ही खराब लग रही है, मुझसे खाना खाया नहीं जा रहा है, हो सकता है शायद डिहाइड्रेशन का असर हो, शरीर में वीकनेस भी है और जल भी रहा है शरीर मेरा अंदर से। यहाँ पर बउआ का हो गया जी मालिश, और मजे में करवाया, रो भी नहीं रहा है। वाह, सुसू लेकिन कर देता है मालिश करवाते करवाते। सबके पास जो मालिश करे एक बार सुसू। चल रहे हैं जी नीचे वाले रूम में, वहाँ पर आया हुआ है ढेर सारा लीची, तो चल करके खाते हैं। कुछ दिनों अपने पहले देखा था एक पूरा ढेर आया हुआ था लीची का जिया के घर से, तो फिर आया है जिया का भाई आया हुआ था कुछ दिन पहले मिलने के लिए, और आप सभी लोग लीची पार्टी कर रहे हैं। लीची पार्टी कर रहे हैं, लेकिन पहले दिए थे उससे ज्यादा अच्छा लीची है इस बार। है, इस बार भी है, वो सीजन के शुरुआत का था, ये सीजन के अंत का है। अंत का है। समझी को बहुत बहुत धन्यवाद लीची पहुँचाने के लिए। अब जो थोड़ा लीची खत्म होगा तो कहना आम भी पहुँचा दे, बहुत तेज हो रहे हैं। हम लोग ऐसे ही खाते पीते रहेंगे, क्योंकि हमारा उनका ना लोटा डोर का संबंध है। अच्छा। वो है लोटा, हम है डोर, खींचते रहेंगे। अभी बज रहे हैं जी रात के 10, और आज जो हमारा तबीयत रहा बहुत ज्यादा खराब रहा, इस वजह से आज जो है हम व्लॉग भी नहीं डाल पाए, और कल डाल पाते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि इतनी तबीयत खराब है, कुछ भी शूट करने का हमें मन नहीं किया, एडिट करने का मन नहीं किया, क्योंकि आँख पर काफी जोर पड़ रहा था, क्या हुआ है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मुझे शुरू में लगा कि फीवर है, क्योंकि शरीर अंदर से काफी जल रहा था, तो नर्व को पकड़ करके चेक किया गया फीवर है कि नहीं, बिल्कुल
हीट नहीं है, मेरा हाथ ना मेरा सर हीट है। तो हमें लगा कि आखिर हो क्या रहा, आंख भी बहुत ज्यादा जल रहा। फिर उसके बाद सभी को लगा कि इसको लगता है बीपी लो हो गया है, कमजोरी हो गया है। कमजोरी तो सच में हो गया है, मेरे जितना भी ज्वाइंट है, चाहे घुटना का ज्वाइंट हो, चाहे कोहनी का हो, चाहे यहाँ का हो, कंधे का, सब कुछ बहुत तेज दर्द कर रहा है। मुझे लग रहा था भाई साहब आखिर हो क्या गया है। तब उसके बाद सभी को लगा कि शायद इसका बीपी लो तो नहीं है, तो बीपी चेक किया गया मेरा, तो वह भी ठीक निकला। तब उसके बाद जो लक्षण मेरा सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि जब मैं जा रहा हूँ बाथरूम तो येलो कलर का यूरिन हो रहा है, तब सभी को लगा कि लगता है इसको लू लग गया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हम फल खरीदने चले गए थे और एकदम कड़ा धूप था, और जिस दिन हम बाहर निकले हुए थे मुझे लगता है कि इस सीजन में कटिहार का सबसे जो ज्यादा गर्म दिन था वही था वह दिन। तो उस दिन हम निकल गए धूप में, तो लग रहा है शायद वही डिहाइड्रेशन सब हो गया है। इलेक्ट्रोल पाउडर सब जो है वह सब तो पी रहे हैं, थोड़ा सा ताकत लग रहा है शरीर में, दूध भी अभी पी रहे हैं हल्दी सब डाल करके। और कल देखे हैं कल क्या हाल रहता है, कल अगर तबीयत सब सही रहा तब ब्लॉग डाल देंगे, और अगर नहीं रहा तबीयत ही तब जी एक दिन और वेट कर लीजिएगा, एक दिन और गैप हो जाएगा, जानते हैं दो दिन गैप हो जाएगा, लेकिन माफ कर दीजिएगा क्योंकि कंडीशन ही वैसी है। या की भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, या का हो क्या रहा है कमर दर्द कंधा दर्द, उसका तो चलिए मानते हैं कि उसका ऑपरेशन वाइस वजह से हो रहा है, लेकिन मेरा बस हो गया इसी तरह से धूप में, आखिर क्यों निकले अभी पसा रहे हैं। शाम में निकल जाते हैं हम सब्जी सब लेने के लिए, फल सब लेने के लिए। अभी जिया रूम से निकली है और वॉक कर रही है, जिया को दवाई भी अपना सारा खाना है। दवाई खा ली? अच्छा तो दवा खा चुकी है, ये दूध है वहाँ पर रखा हुआ, पी लो। ने जो है बाबू को भी नीचे भेज दिया है, हमने चाहते कि हम लोग बुखार है, क्या पता ट्रांसफर हो जाए उसके ऊपर, हमें नहीं पता मेडिकली क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, लेकिन हम अपने तरफ से चाहते हैं बच्चे के लिए पूरी सेफ्टी ले। और सबसे खराब इसी बात का लग रहा है कि बाबू का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, बस हम समझिए दो या तीन रात जगे होंगे उसी के बाद ऐसी हालत हो गई, आंख देख रही होंगी डार्क सर्कल सब जो है सब कुछ हो चुका है। तो यह लग रहा है शायद नींद की कमी से हुई है। और अभी तो मौसी है हमारी, तो सपोर्ट मिल रहा है, मम्मी है सपोर्ट है, जब सोचिए ये सब नहीं रहती तो हमारा क्या हाल होता है। हाय 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 हाय। तो मैं पी रहा हूँ जी हल्दी दूध, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम का भी लक्षण है, प्लेन दूध। अभी आ गए हैं जी छत पर, थोड़ी बहुत तबीयत सही हुई है, जो हमारे ज्वाइंट में दर्द हो रहा था घुटनों में और कोहनी सब में वह सब तो अभी देख रहा हूँ आराम हुआ है। मेरे आंखों में दर्द हो रहा है काफी ज्यादा, तो यहाँ पर आ गए हैं जी, थोड़ा बहुत टहलेंगे यहाँ पर और टहल करके फिर उसके बाद थोड़ा जा करके नीचे आराम करेंगे। बहुत दिनों बाद आए हैं, जब से जिया की डिलीवरी हुई है तब से छत पर नहीं आए हुए थे, क्योंकि नींद ही कभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। और अभी जो है बाबू वह मौसी के पास है वह नीचे, तो हमें मौका मिल गया कि कल थोड़ा सा अपना नींद पूरा कर लेते हैं। और आज थोड़ा सवेरे उठ गए, बाकी सवेरे भी नहीं उठ पा रहे थे ऐसा हालत था। अभी मौसम भी मस्त कर रखा है देख सकते हैं, और जितने भी पौधे हैं उसमें फूल भी अच्छा खासा आया हुआ है। कई दिनों से छत पर आकर के इन सब चीज को नोटिस किया नहीं था, तो आज छत पर आए तो देख रहे फूल भी अच्छा खासा खिल चुका है इसमें। अभी आए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो सामान अपना ले लिया है, और मौसम तो अभी ठीक है, थोड़ा पहले ही आकर के इसलिए ले लिए, नहीं चाहते थे कि धूप में निकले, एक बार धूप में निकले तो अभी तक भुगत रहे हैं, दो तीन दिन खराब हो चुका है उसके चक्कर में, और नहीं चाहते कि कुछ और खराब हो, तो ले तो लिया ही है। अब सीधा चलते हैं वहाँ जा करके पीते हैं, या एक एनर्जी ड्रिंक भी लिया हुआ है, एक नहीं दो दो लिया हुआ है। यहाँ पर बबुआ नहा चुका है जी, देख सकते हैं बबुआ नहा के एकदम हो चुका है तैयार और बहुत मजे में एकदम सो रहा है। कुछ देर तो इंतजार किया कि मम्मी आएगी और वहाँ दूध पीना है, लेकिन तब तक इसको गोदी में मम्मी खिलाई तो सो गया एकदम, तब तक सो गया क्योंकि अभी इसकी दादी है लंबा चौड़ा पांच हाथ के, सो जाता है अपना बेटा। दादी चली जाएगी फिर मम्मी के पास छोएगी, तब दीदी दादी के पास रहेगी। अभी तो इसको दीदी दादी लेने तो आई थी, लेकिन तब तक ये सो गया। नहाना छोड़ करके बाबा दादी लगे रहते हैं कोई काम छोड़ कर भी, अगर ये कहीं घूमने जाएगा ना कि बाबा डैडी बाबा दादी, बहुत परेशान हो जाएगी इसके लिए। सारा काम करके आती है इसको लेकर के कहती है पूरा थकावट में रहती हो गया। डेली मामी के साड़ी के ऊपर साड़ी सुसु कर देता है, जिसके ऊपर जाता है उसके ऊपर सुसु, जैसे मालिश करने आती है मामी सुसु कर देता है, सबका उद्घाटन कर चुका है एक बार। तो अभी बाबू मालिश करवा रहा है जी, अभी पेट के बल लेटता है तो पीठ में तो मजे से करवाता है, कि जैसे ही एक बार पलट दीजिए और पेट पर तेल लगाना शुरू होता है तब रोना स्टार्ट कर देता है। तो अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक लग रहा है, और कल रात भी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, मेडिसिन लिए थे, मेडिसिन लेने के बाद जो है थोड़ी सी राहत मिली, और अभी भी वीकनेस है, ऐसा नहीं कि वीकनेस खत्म हो गया है। अभी जिया ने पूरा शरीर में तेल लगाया, मैंने मना किया था कि इस हालत में तेल सब मत लगाओ, लेकिन वो मानी नहीं, और मेरी भी हालत ऐसी थी लग रहा था कि थोड़ा सा मालिश हो जाए तो शरीर ठीक हो जाएगा, और सच में जैसे ही मालिश हुआ डॉक्टर औरतों का जो तेल आता है मालिश करने वाला उससे मालिश की तो शरीर में थोड़ा सा जान आया है और हम बेड से अभी उठ आए हैं, लेकिन लग रहा है रिकवर करने में अभी तीन दिन तो हो गया, आज तीसरा दिन है, लग रहा है कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा ऐसा रवैया रहा। अगर भूख खत्म हो गई है, जो भी हमारे ब्लॉग को लगातार देखे होंगे आप जानते होंगे कि मैं खाने को लेकर के कितना शौकीन हूं, लेकिन अभी मेरे सामने कोई भी खाना आता है मुझे खाना अच्छा नहीं लगता।
लग रहा है। ऐसी हालत है कोई भी धूप में ना निकले, इस समय का जो धूप है बहुत ही खराब धूप है। वैसे तो अभी मौसम अच्छा हो चुका है, लेकिन जब भी 40 डिग्री के ऊपर रहे टेम्परेचर, कोशिश करिए कि उसको अवॉइड कर सके धूप में निकलने का। बाबू है, पापा तबीयत हो गई खराब, बाबू बार बार वो फोटो देखता है। बाबू हमारा फोटो देख रहा है ऊपर वाला, पापा मम्मी की जब शादी हुई थी ना उस समय की फोटो है बाबू। हाँ मुझे देख रहा है, हाँ बाबू मैं सही बोल रहा हूँ। ये ना नीचे आने की कोशिश करता है, इसको यहाँ सुला देते हैं, ये आ जाता है यहाँ। बिल्कुल बाबू, ये देखो हटा लेता है सारा कपड़ा, ये सारा कपड़ा इसको इसके ऊपर डालते हैं, ये नीचे फेंक देता है यहाँ। ठंड बहुत ज्यादा है जी, मौसम हो गया है ठंड, और इस बेचारे को कोई फर्क नहीं ठंड हो या गर्मी, को एकदम फ्री रहना है, फ्री, कोई कपड़े नहीं चाहिए इसको शरीर पे। फेंक देता है सब, उठा के फेंक देगा। ओ भाई ये देखिए सारा उठा दिया सारा फेंक। और बाबू, और बाबू पापा की हाल खराब है बाबू, क्या हाल है गुल्लू गुल्लू, क्या हाल है। ये अब क्या देख रहा है इधर, कोई एक जगह कुछ मिल जाए देखने के लिए, वो देखते रहता है। कैमरा देख रहा है, बोल दो हेलो, सबको नमस्ते करो, नमस्ते। हे तो हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो जल्दी से। बाबू है ये देखो मेरा उंगली पकड़ा हुआ है, चलो पापा को उठा, तो बाबू पापा को उठा लो यहाँ से, पापा उठ जाएंगे, उठाओ आप। हेलो बोलो, कैमरा देख रहा है, बोलो सबको हेलो, बोलो तो सबको नमस्ते करो। नहीं करेगा नहीं करेगा नमस्ते, अभी एकदम बिल्कुल खेलने के मूड में है, सो नहीं रहा। हिचकी आ रही है बेटा को, की आ रही है, दोनों बाप बेटे के मरम्मत में हम बैठे हुए हैं। जो मरम्मत में बैठी है उसका खुद मरम्मत हुआ पड़ा है, फिर भी दोनों का करना पड़ रहा है मुझे। हालत खराब हो गई पाजी, कितनी कमजोरी है शरीर में कि पूछिए मत, इनको लू लग गई है। हाँ। ओ पद्दी की है, पद्दी की है। फाइनली जी अभी जो कुछ देर पहले आप डांस देख रहे थे वह डांस जो है खत्म हो चुका है, और बबुआ भी यहाँ आ चुका है। अभी बज रहे हैं शाम के 6, और कंडीशन जो है खराब हो गई है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फीवर थोड़ा तेज हो गया है, और मुझे लग रहा है यह वही फीवर है, हर साल एक बार जरूर फीवर होता था, और उस फीवर की वजह से हम लगभग एक हफ्ता तक बेड रेस्ट पर रहते थे, बिल्कुल आँख खोलने का ताकत नहीं, हिलने का ताकत नहीं। तो लग रहा है पिछले 3 साल से तो नहीं पकड़ा, लेकिन इस बार वह फीवर जो है पकड़ लिया है। अब देखते हैं ना जल्दी ठीक होते हैं, दवा तो ले लिया है, लेकिन अगर आज दवा से भी ठीक नहीं होगा तो कल सुबह चले जाएंगे डॉक्टर के पास और दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा नाश्ता लग गया जी, देख सकते हैं मेरा वहाँ मैगी रखा हुआ है, लेकिन हलवा लेके आई। इसकी इतनी हिम्मत, अपने साथ से काम करवाती हो, काम नहीं करवा रही, अपनी खुशी से दे रही है, बहू को नाम लगा। अब तुम खा ही रही हो तो खा लो, ठीक है, अच्छा बने तभी कहना अच्छा है, बुरा बने तभी कहना अच्छा, नहीं खराब बनेगा कल का, कल खाना है तो ठीक है। बिल्कुल, हमारा जो मैगी है वहाँ पर, हमको हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक जा पाए। पापा का भी थोड़ा सा फीवर होता है,
तो इसी तरह कुछ नहीं कर पाते, वैसा ही मेरा बेटा हो गया। अच्छा। तो ये हम झेलते आए हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। खाली ईश्वर के चरण, हमारा बेटा जो है ना ड्रामा करता है, बीमार को धन्यवाद करते हैं, शुक्र गुजार है उनके चरण में। कैसा ड्रामा करते करते भी भगवान बूढ़ा बना देंगे सबको। मेरे बेटा ने सबका, वास्तव में ये बीमार है कि चेहरा इसका लग रहा है।